हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटी एंड सीआईटी से रिलेटेड चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं सिंगल वी बट जॉइंट। हॉरिजेंटल पोजीशन में तो कैसे बनता है, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को सिंपल सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आपको जो है अपने पेज पे लिख लेना है, यहाँ ऊपर जब भी आप ऊपर बनाए, डेट ऑफ स्टार्ट और डेट ऑफ क्लोज, ठीक है। एम लिखना है आपको जो भी आप बनाने वाले हैं, जैसे कि टू प्रिपेयर ए सिंगल वी बट जॉइंट 10 mm थिक इन हॉरिजेंटल पोजिशन बाय आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग, जो भी आप बनाना चाहते हैं वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको दोस्तों नीचे आना है, अपने हाफ पेज से नीचे आ सकते हैं, ठीक है, तो आपकी इच्छा है दोस्तों। नहीं दोस्तों आप अगर बनाते हैं तो ये जो है जो भी बनाएंगे इसमें जाके घुस जाता है, ठीक है, तो इसलिए हाफ से नीचे आ जाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों आने के बाद दोस्तों आपको क्या क्या चाहिए, आपको दोस्तों चाहिए सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर दोस्तों ऐसा होता है, और आपको चाहिए एक पेंसिल और चाहिए एक इरेजर, ठीक है। तो दोस्तों इन चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो आपके पास ये होने चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अब बनाना। अब दोस्तों आपको आ जाना है नीचे, अपने हाफ पेज से नीचे, तो आप चाहे कहीं भी आ जाए, जैसे कि मैं दोस्तों देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों मैं दिख रहा होगा आपको, दोस्तों यहाँ पे मैं आ गया, और दोस्तों मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, अभी एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें, ये दोस्तों हमारी बेस लाइन होगी, तो आप इसको ड्रॉ कर दें ऐसे। ड्रॉ करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि दोस्तों एक पॉइंट लगाना है जो लाइन हमने ली थी। दोस्तों पॉइंट लगाने के लिए दोस्तों आप इसका यूज़ करेंगे, और दोस्तों इस पॉइंट को लगाने के लिए आपको जो है यहाँ से इसके ऊपर जो है देख सकते हैं आप, यहाँ 10 mm का स्पेस छोड़ के यहाँ पे आपको एक डॉट लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ हमने डॉट लगा दिया, डॉट लगाने के बाद दोस्तों इसको जो है इस पर सेट कर लेना है। ऐसे सेट करने के बाद आपको दूसरे वाला स्केल लेना है। दूसरे वाला स्केल लेने के बाद क्या करना है आपको कि जैसे आपने ये लिया, ये यहाँ से ऐसे यहाँ पे सेट करेंगे, और एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया इस साइड, और दोस्तों दूसरी लाइन जो है इस साइड हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको कि यहाँ से आपको ये जो है 10 mm एक लाइन ले लेनी है छोटी सी। ये दोस्तों मैंने 10 mm एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, और इधर आपको 100 mm करनी है या 10 cm, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा 10 cm है, दोस्तों हमारे सेंटीमीटर में होते हैं, ये mm में होते हैं, ये 10 mm है हमारा और ये 10 cm है, आपको पता होगा इतना तो। अब दोस्तों इतना होने के बाद आपको क्या करना है कि आपको जो 90 डिग्री पे है लाइन लगानी है सीधी सीधी, तो चाहे तो आप इसको ऐसे सेट कर लें इसको इसे यहाँ पे। दोस्तों आपको पता है कि हमारी लाइन सीधी ही होगी, तो आप चाहे इसको ना भी सेट करें, लेकिन दोस्तों आप अगर सेट कर लेते तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी जो लाइनिंग है ख़राब नहीं होगी। तो दोस्तों देख लीजिए आप, ये जैसे इस वाले को आप इसको उल्टा भी चला सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये हमारा जो पूरा 90 डिग्री में होता है इसके ये वाला लाइन। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पर मैं इसको सेट किया। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा मैं आगे ले आऊँगा और इस पॉइंट के सहारे से मिलाऊंगा, ठीक है। दोस्तों मैंने यहाँ मिलाया, और यहाँ से मिलाने के बाद आपको एक लाइन सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और दोस्तों इधर आने के बाद ये आपको यहाँ पे आना है इस वाले कॉर्नर पे, और यहाँ से भी आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। दोस्तों इतना ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है कि अब इसे और आगे की ओर ले जाना है। आगे की ओर ले जाने के बाद दोस्तों आपको इस वाले पॉइंट पे आना जो हमने पॉइंट लिया था। दोस्तों आ गए हम, और दोस्तों आने के बाद आपको सीधी जो है लाइन इसकी भी एक ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है दिखेगा, ठीक। दोस्तों अब क्या करना है, आपको नाप लेना है, ठीक है। नापने के बाद दोस्तों हम इस पे लाइनिंग और मारेंगे, ठीक है। दोस्तों आपको नापना है 5-5 cm, जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये 0 से 5, तो ये मैंने 5 cm यहाँ पे नाप लिया, यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया, और दोस्तों इस साइड भी हम नाप लेंगे, ठीक है। तो ये 0 से 5, और ये भी हमारा 0 से 5
5, ठीक है। अब दोस्तों इसको मिला देंगे हम, मिलाने के बाद इसको भी मिला देंगे, इन दो लाइनों को। ठीक है, अब दोस्तों हम इसे दोबारा सेट करेंगे क्योंकि हमें एक और लाइन ड्रॉ करनी है, तो इसे दोस्तों हम यहाँ पे ऐसे सेट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, ऐसे सेट कर सकते हैं। और सेट करने के बाद दोस्तों इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर की ओर करना है, ठीक है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं इस वाले पॉइंट पे हमारा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन और ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका बन जाएगा। बनने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि ये वाली लाइन भी आपको मिलाना पड़ेगा, तो गड़बड़ ना हो। नहीं दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, सीधा यहाँ से ऐसे नाप सकते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आप नाप लीजिए, ये 10 आपका, ठीक है। और दोस्तों इनको आप मिला दीजिए, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपका ऐसा तैयार हो गया, अब हमारा जो है लगभग आधा काम हमारा हो चुका है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसे इरेज करना है, और फिर हमें जो है बीड लगानी है, ठीक है दोस्तों। तो पहले हम सिंगल वी बना देते हैं, उसके बाद करेंगे। तो दोस्तों आप चाहे तो एक स्केल रख दीजिएगा, और इससे मैं देख सकते हैं आप ऐसे इसको कर लीजिए, 5 तक हमारा है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि हमारा 5 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों आपको यहाँ इस वाले जो 2 पे लगाना है, और इस वाले 3 पे लगाना है, ठीक है। और दोस्तों इस साइड आपको आना है, इस साइड आपको दोस्तों 2.5 पे लगाना है, बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। इस तरह से आप लगाएंगे और इन जो पॉइंट को आपस में मिला देना है, ठीक है। तो आपका जो है ये आपका वी ग्रूव तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका वी ग्रूव जो है तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है कि दोस्तों इस साइड आपको, इस साइड भी आपको नाम लेना है, तो इस साइड भी आप यहाँ पे 2, और इस साइड भी हमारा 2, ठीक है, नीचे से 2 और ऊपर से 2। और दोस्तों आपको इन सारे इन दोनों पॉइंटों को भी मिला देना है, और आपको वेल्डिंग बीड लगानी है, ठीक है। ये दोस्तों मैंने मिला दिया, और ये भी मैंने मिला दिया, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि आप मिटा देते हैं इरेजर से, ठीक है। मिटाने में दोस्तों हम बीड लगाएंगे, तो दोस्तों आप भी मिटा दीजिए अगर आपने साथ साथ के साथ बनाया है तो। तो दोस्तों हमने मिटा दिया, अब मिटाने में दोस्तों आपको वेल्डिंग बीड लगानी है। तो दोस्तों आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पहले आप ऐसे थोड़ा सा ऐसे गोलाकार कर लीजिए, ठीक है, ताकि ये हमारा बाहर ना जाए, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से आपको वेल्डिंग बीड लगानी है, आराम आराम से लगाइएगा बिल्कुल आप। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी वेल्डिंग बीड लग चुकी है। अब दोस्तों आपको डायमेंशन देनी है, और आपको जो है लाइन जो है डार्क कर देनी है, ठीक है। तो पहले हम दोस्तों डायमेंशन दे देते हैं, कैसे डायमेंशन देनी है आपको बता देता हूँ। दोस्तों आपको जो यहाँ से 5 mm का गैप करना है, और नीचे जो है आपको एक छोटी सी लाइन से ड्रॉ कर लेनी है 10 mm की। ठीक दोस्तों, और आपको इसमें लाइन लगा देनी है। हंड्रेड हो जाएगा, ये आपका 10, ये आपका 50, ठीक दोस्तों। तो इस तरह से जो है आपका ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आपका तैयार हो गया ये, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, सॉरी दोस्तों सिंगल वी बट जॉइंट आपका तैयार हो गया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इसमें दोस्तों दिखाना भी पड़ेगा कि हमारा कौन सी क्या क्या प्लेट है। तो दोस्तों ऐसे करके आप दिखा सकते हैं,
इस तरह से एरो बनाना है आपको। ठीक है, ये एरो बना के यहाँ लिख देना आपको वर्क पीस। ठीक दोस्तों, और ये आपका ये जो है ऐसे करके, और इस साइड आपका हो जाएगा ये। वेल्डिंग बीड दोस्तों ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा यहाँ पे सिंगल वी बट जॉइंट, सिंगल वी बट जॉइंट ये भी लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप ऐसे लिख दें। और दोस्तों यहाँ पे जो नीचे है आपको एक लाइन लिखनी है हमेशा नोट में, नोट में लिख दोस्तों ऑल डायमेंशन, ऑल डायमेंशन इन mm। ठीक दोस्तों, और दोस्तों इसमें सीक्वेंस ऑफ जॉब भी होता है, सीक्वेंस ऑफ जॉब में हम क्या क्या लिखते हैं वही बता दूं आपको। सीक्वेंस ऑफ जॉब दोस्तों इसमें आपका होता है, पहले आप प्लेट की मार्किंग करते हैं, मार्किंग के बाद दूसरा दोस्तों आप करते हैं कटिंग, कटिंग के बाद दोस्तों आप करते हैं फाइलिंग, फाइलिंग के बाद दोस्तों उसको ले जाते हैं आप प्लेस ऑफ द वेल्डिंग टेबल, उसको ले गया आप वेल्डिंग टेबल पे, वेल्डिंग टेबल। और दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, प्लेस ऑफ द वेल्डिंग टेबल, और उसके बाद आप क्या करेंगे, मेक सिंगल वी बट जॉइंट, फिर दोस्तों दिखा नहीं आपको, मेक सिंगल ये लो दोस्तों सिंगल वी बट जॉइंट, बट जॉइंट। आगे दोस्तों आपको लिखना है छठा पॉइंट, दोस्तों आपको लिखना है रिमूव स्लैग ऑन चिपिंग हैमर। ठीक है, सातवां पॉइंट आपको लिखना है कंप्लीट द जॉब। ठीक दोस्तों, इस प्रकार से आपकी जो है जॉब कंप्लीट हुई। तो वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को सिंपल आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, और आपको कौन सा जॉइंट चाहिए और वेल्डिंग में कौन सा टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके लिए उस वीडियो बना दूंगा। ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।